रंभा को अपने करीब बैठा देख राजकुमार यजवेंद्र एकदम से चौंक गए। वो चौंकते हुए बोले, तुम यहाँ? रंभा ने एक बड़ी सी मुस्कान बिखेरी और धीरे से बोली, जी राजकुमार, कुछ बात करनी थी आपसे। राजकुमार उठकर बैठे और थोड़ा संकोच करते हुए बोले, कैसी बात? रंभा ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और आंखें बड़ी करती हुई बोली, वो राजकुमार, हमने जब से आपको पहली बार देखा है हम आपके मुरीद हो गए हैं। आपके शरीर की बनावट, आपकी आंखें, आपकी आवाज़। राजकुमार ने रंभा का मान रखते हुए कहा, जी शुक्रिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम राजकुमार कुछ बोलते उससे पहले ही रंभा एकदम से बोल पड़ी, हम आपसे प्यार करने लगे हैं राजकुमार। ये सुनते ही राजकुमार युजवेंद्र सतर्क होकर बैठ गए और रंभा को चेतावनी देते हुए बोले, नहीं, मुझे तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता नहीं है। रंभा राजकुमार की एक भी बात ध्यान से नहीं सुन रही थी और उनके मना करने के बावजूद जबरदस्ती उनके नज़दीक होती जा रही थी। वह लालसा भरी नज़रों से राजकुमार युजवेंद्र को देखते हुए बोली, आपने मुझे ध्यान से देखा ही कहाँ है, एक बार मेरे करीब आकर मुझे गौर से देखिए तो सही, मेरे रूप से आप भी मोहित हो जाएंगे। मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ राजकुमार, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मुझे अपने करीब आने देंगे। सच कहूँ मैं तो आपको देख सम्मोहित ही हो गई हूँ। मुझे आपका स्वभाव जितना सुंदर लगा उससे कहीं ज्यादा आकर्षक लगा आपका मजबूत शरीर। आप एक ऊंचे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज की रात आप मेरे साथ बिताएं और इस रात हम दोनों के बीच कोई भी दूरी न रहे। हो सकता है फिर आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाए। राजकुमार युजवेंद्र झुंझलाते हुए बोले, ये कैसी बातें कर रही हो रंभा? मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, किसी शादीशुदा व्यक्ति से इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारे साथ क्या, किसी के साथ भी रात नहीं बिता सकता। मैं अपनी धर्मपत्नी राजकुमारी नंदिता से बेहद प्रेम करता हूँ। यह अलग बात है कि मेरे श्राप के चलते मैं कभी उनके इतना करीब नहीं हो पाया। राजकुमार युजवेंद्र को उदास होता देख रंभा उनके गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ राजकुमार। आज जब आपको अवसर मिल रहा है तो आप मुझसे दूर भाग रहे हैं। जिंदगी हमें ऐसे अवसर बार बार नहीं देती। आज तो बस मैं मेरा ये प्रेम आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। देखिए, आज श्राप की दीवार भी हमारे बीच नहीं है, अब तो आपको मेरे निकट आना ही होगा। ऐसा कहते हुए रंभा ने जबरदस्ती अपनी बाहें राजकुमार युजवेंद्र के गले में डाल दी और उन्हें चूमने की कोशिश करने लगी। तभी गुरु मां राजकुमार युजवेंद्र के कक्ष में आते हुए बोली, क्या कर रही हो रंभा? छोड़ो राजकुमार युजवेंद्र को और उन्हें आराम करने दो। कल सुबह से जश्नमा प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी और फिर राजकुमार युजवेंद्र भी व्यस्त रहेंगे। गुरु मां को अपने सामने देखते ही राजकुमार युजवेंद्र को छोड़ रंभा पीछे हट गई और सकपकाते हुए बोली, जी गुरु मां। इतना कह रंभा तुरंत ही वहां से बाहर चली गई। चंद्रमौली राजकुमार युजवेंद्र के पास आई और उन्हें समझाते हुए बोली, आप रंभा की बातों का बुरा ना माने, उसे दिल लगी करने की आदत है, पर वह दिल की बुरी नहीं। आप आराम कीजिए क्योंकि सुबह आपको जल्दी जागना पड़ेगा। मैं आपको यही बताने आई थी कि कल की प्रतियोगिताओं की शुरुआत तैराकी प्रतियोगिता के साथ होगी। सुबह नदी के शीतल जल में तैरते हुए जो भी स्त्री सबसे पहले एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगी उसे हम विजयी घोषित करेंगे। और सुबह सुबह नदी का बहाव भी अच्छा रहता है तो एक अच्छे तैराक का परीक्षण करने के लिए वो समय उत्तम रहेगा, इसीलिए मैं आपको पहले से बताने आई हूँ। यह सुनते ही राजकुमार युजवेंद्र हैरान होकर बोले, परंतु तेज बहाव में तैरना तो जान जोखिम में डालना हुआ। यह सुन चंद्रमौली हंसते हुए बोली, एक सैनिक किसी भी विद्या में तभी कुशल होता है जब वह जोखिम उठाना सीख जाए। आप सोइए, हम सुबह मिलते हैं। ऐसा कह चंद्रमौली जाने को हुई तो राजकुमार युजवेंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए गुरुमा, पहले मेरी शंका का समाधान करते जाइए। चंद्रमौली ने असमंजस में कहा, कैसी शंका राजकुमार? राजकुमार युजवेंद्र ने फिर से वही प्रश्न दोहराया जो काफी समय से उनके दिमाग में अटका हुआ था। जैसा कि मैंने देखा कि आपके टापू की सभी स्त्रियां बहुत ज्यादा होनहार और कुशल हैं, परंतु फिर भी हैं तो वे स्त्रियां ही, फिर उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे मेरे श्राप का असर उन पर नहीं हुआ? यह तो मेरे लिए एक चमत्कार है, कृपया मुझे इस चमत्कार का कारण बताएं। तब गुरु मां मुस्कुराते हुए बोली, कल जब आप प्रतियोगिता देखोगे तो अपने आप सब समझ जाओगे कि इन पर आपके श्राप का असर क्यों नहीं हुआ। यह सुनते ही राजकुमार अगली सुबह का इंतजार करते करते गहरी नींद में सो गए। दूसरी ओर उधमपुर में राजकुमारी नंदिता और कल्पी महाराज की आज्ञा लेकर भानगढ़ के लिए प्रस्थान कर गए। दोनों ही अपना असली वेश त्याग कर बंजारों के वेश में आ गए थे। कल्पी ने सिर पर काली पगड़ी बांध रखी थी और आंखों में मोटा मोटा काजल भी लगा रखा था। साथ ही बंजारों की तरह पोशाक पहन वो राजकुमारी नंदिता के साथ साथ चल रहा था। राजकुमारी नंदिता भी नटनी के वेश में बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही थी। कल्पी शारीरिक रूप से हट्टा कट्टा और अधिक बलवान था, इसीलिए उसने सरदार का वेश धारण किया और राजकुमारी नंदिता ने घूंघट डालकर एक नटनी का वेश धारण किया और दोनों लोग भानगढ़ की सीमा पर पहुंच गए। जब सीमा के द्वारपालों ने एक अत्यधिक बलवान दिखने वाले असाधारण मानव को भानगढ़ में प्रवेश करते हुए देखा तो रोक कर उनका परिचय पूछने लगे। इस पर राजकुमारी नंदिता ने अपनी मधुर आवाज में कहा, हम तो बंजारे हैं, तमाशा और नाच दिखाते हुए अपनी आजीविका कमाते हैं। कल्पी ने भी राजकुमारी नंदिता का साथ देते हुए कहा, जी द्वारपाल जी, मेरी नटनी बिल्कुल सही कह रही है। आप मेरे कदकाठी को देख शंका मत कीजिए। आप चाहें तो हम अभी यहाँ आपको तमाशा दिखा सकते हैं जिससे आपको भरोसा हो जाएगा कि हम बंजारे ही हैं, परंतु फिर आपको हमें इनाम स्वरूप 10 मोहरे देनी होगी क्योंकि हम लोग ऐसे हर किसी को तमाशा नहीं दिखाते, केवल राजसभा में राजाओं के सामने ही तमाशा दिखाते हैं। अभी तक हमने कई राज्यों में जाकर कितने ही महान राजाओं को अपना तमाशा दिखाया है और शाही पुरस्कार भी जीते हैं। ऐसा कहते हुए कल्पी ने राजकुमारी नंदिता को इशारा किया और राजकुमारी नंदिता ने तुरंत ही अपना सामान निकालना शुरू कर दिया और ऐसा नाटक करने लगी जैसे सच में अभी तमाशा शुरू करेंगी। यह देख द्वारपाल ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, अरे रुको रुको, हमें तमाशा नहीं देखना है। हम तो बस जांच परख कर रहे थे कि तुम असली बंजारे हो या नहीं। तुम्हारा सामान देख और तुम्हारी बातों को सुनकर हमें भरोसा हो गया। जाओ, तुम लोग राज्य में प्रवेश कर सकते हो। द्वारपाल की आज्ञा पाकर कल्पी और राजकुमारी नंदिता दोनों ही शीघ्रता से राज्य के भीतर चले गए।
इधर भानगढ़ महल में सुमंत और राजकुमार कौशलेंद्र ने विचार विमर्श करने के बाद सेवक को संदेश भेजकर महारानी माला और मंत्री वीर सिंह को बुलाने भेज दिया और स्वयं महामंत्री विक्रम के कक्ष में जा पहुंचे। जब सेवक का संदेश पाकर मंत्री वीर सिंह और महारानी माला महामंत्री विक्रम के कक्ष में पहुंचे तो दरवाजे पर ही राजकुमार कौशलेंद्र और सुमंत को खड़ा पाया। माला ने चिंतित होते हुए सुमंत से पूछा, क्या हुआ वैद्यराज, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या विक्रम भैया को होश आ गया? वीर सिंह भी कक्ष के भीतर झांकते हुए बोला, कहाँ है महामंत्री जी, क्या अभी वे बात करने की स्थिति में है? तभी कौशलेंद्र ने वीर सिंह को रोकते हुए कहा, ठहर जाइए वीर सिंह, इतना उतावलापन ठीक नहीं। महामंत्री विक्रम को होश तो आ गया है, परंतु इस समय उनके सामने जाना ठीक नहीं होगा। दरअसल वे अभी जितने कम लोगों से मिले उनकी मानसिक सेहत के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ज्यादा लोगों से मिलना यानी ज्यादा लोगों को पहचानना और ज्यादा दिमाग पर जोर देना, ये सब उनके लिए अभी खतरे की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसीलिए वैद्यराज ने मुझे और आप दोनों को यहाँ बुलाया है। देखिए, मैं भी कक्ष के बाहर ही खड़ा हूँ और स्वयं वैद्यराज भी कक्ष के बाहर खड़े हैं। हम सब लोगों में से एक वे ही हैं जो कक्ष के भीतर जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें महामंत्री विक्रम का इलाज करने के लिए कक्ष के भीतर जाना ही होगा। परंतु उनके अलावा और किसी का फिलहाल कक्ष के भीतर जाना निषेध है। आपको यदि महामंत्री विक्रम से बात करनी है तो आप यहाँ खड़े होकर उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। महामंत्री विक्रम का जवाब सुनकर शायद आपको तसल्ली हो जाए कि उनकी सेहत में कितना सुधार हो रहा है। यह सुनते ही माला जल्दी से तेज आवाज में बोली, विक्रम भैया, मैं हूँ माला, क्या आप ठीक हैं? परंतु कक्ष के भीतर से कोई आवाज नहीं आई। अपनी आवाज का प्रतिउत्तर न सुन माला के चेहरे पर मायूसी छा गई। मंत्री वीर सिंह भी कौशलेंद्र और सुमंत को शंका भरी दृष्टि से देखते हुए बोले, क्या हुआ? महामंत्री विक्रम को यदि होश आ गया है तो क्या वे इतनी जल्दी दोबारा मूर्छित हो गए? हटिए, मैं देख कर आता हूँ। तभी सुमंत ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाइए मंत्री जी, अभी अभी आपसे महाराज ने कहा ना कि कक्ष में सिर्फ मेरा जाना ही उचित होगा, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कह सुमंत कक्ष के भीतर चला गया और थोड़ी देर तक शांति छाई रही। तभी कुछ क्षणों के बाद महामंत्री विक्रम की आवाज़ सुनाई देने लगी, अरे वैद्य जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। यह सुनते ही माला ने कक्ष के बाहर से खड़े खड़े तेज आवाज में कहा, विक्रम भैया, क्या आप ठीक है? आपकी आवाज़ सुनकर मेरे कानों को बड़ा सुकून मिला। आप कितने समय से गहरी निद्रा में थे, मुझे आपकी बड़ी चिंता हो रही थी। कक्ष से फिर माला की बात का उत्तर सुनाई दिया, मैं अभी अभी नींद से उठा हूँ। राजकुमारी सुनैना कहाँ है? मुझे वो पत्थर की मूर्ति लाना है, जीवित करना है। तभी राजवैद्य बोलने लगे, अरे अरे विक्रम जी, आप शांत हो जाइए, यह औषधि ले लीजिए। और फिर विक्रम की आवाज़ सुनाई दी, मुझे दवाई नहीं सुनाना चाहिए। कुछ देर की खामोशी के बाद राजवैद्य बाहर आए और कहने लगे, मैंने इन्हें दवा देकर दोबारा सुला दिया है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए उन्हें ऐसे नींद में रखकर पुरानी यादों को मिटाना होगा। राजवैद्य की बात सुन मंत्री वीर सिंह और माला दोनों के चेहरे पर संतोष के भाव झलक आए, क्योंकि उन्हें भरोसा जो हो गया था कि अब विक्रम होश में आ चुका है। माला ने कौशलेंद्र के हाथ थाम खुशी से चहकते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने सच में मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं आपको कितना भी धन्यवाद कहूँ कम ही है। मुझे विश्वास हो गया है कि आप सच में भानगढ़ के हितैषी हैं। माला की बातें सुनकर कौशलेंद्र को बड़ा अच्छा लगा, परंतु वीर सिंह को देख वह चुपचाप खड़ा रहा है, क्योंकि वीर सिंह ने अब तक अपने मुंह से तारीफ का एक भी शब्द नहीं कहा था, जिससे कौशलेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर महामंत्री विक्रम की आवाज़ का क्या प्रभाव हुआ है। राजकुमार कौशलेंद्र आशंकित होकर मन ही मन सोचने लगे, कहीं वीर सिंह को पता तो नहीं चल गया कि यह महामंत्री विक्रम की असली आवाज़ नहीं बल्कि सुमंत की आवाज़ बदलने वाली कला है और सुमंत ही महामंत्री विक्रम की आवाज़ में बोल रहा है। कौशलेंद्र सोच ही रहे थे कि मंत्री वीर सिंह ने कहा, जी महाराज, महारानी का कहना बिल्कुल सत्य है, महामंत्री के लिए आपका राजवैद्य को ढूंढकर यहाँ लेकर आना सच में प्रशंसनीय काम है। अब राजवैद्य की औषधियों का असर भी महामंत्री पर दिखने लगा है तो हमें थोड़ी तसल्ली मिल गई। मंत्री वीर सिंह की बात सुनते ही राजकुमार कौशलेंद्र मन ही मन प्रसन्न हो उठे, फिर चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए माला से बोले, आप दोनों का धन्यवाद जो मेरे ऊपर भरोसा किया। उनका इतना बोलना था कि कक्ष की कुंडी खटकी और सुमंत कक्ष से बाहर आया। उसे देखते ही माला और वीर सिंह आभार प्रकट करते हुए बड़े सम्मान भरी नजरों से देखने लगे, मगर वह कुछ कह पाता तभी एक सेवक वहां आया और कौशलेंद्र को देखकर सिर झुकाते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, महल के द्वार पर एक बंजारा एक नटनी के साथ आया हुआ है, कहता है कि वह आपकी सभा में अपने खेल तमाशे दिखाना चाहता है। साथ ही उसका कहना यह भी है कि उसके पास एक विशेष प्रकार का जादू है जिससे वह लोगों के बारे में ऐसी बातें बता सकता है जो किसी को भी नहीं मालूम है। वह महल के भीतर प्रवेश चाहता है। कौशलेंद्र असमंजस भरे लहजे में बोले, परंतु रात्रि के इस पहर में यह कौन सा समय है खेल तमाशा दिखाने का? सेवक ने बात पूरी करते हुए कहा, जी महाराज, हमने भी यही कहा था, परंतु वे निवेदन करते हुए कहने लगे कि वे दिन भर से चलते हुए अब यहाँ पहुँचे हैं और विश्राम का भी कोई प्रबंध नहीं हो पाया है, बस रात भर उन्हें महल में रहने दीजिए, सुबह होते ही वे भरी सभा में अपना कर्तव्य दिखाकर यहाँ से चले जाएंगे। सेवक की बात सुन कौशलेंद्र हैरत में पड़ गए और सेवक से पूछा, ऐसा कौन सा तमाशा है उस बंजारे के पास जो वह भानगढ़ के महाराज को दिखाना चाहता है? कहीं वो कोई बहरूपिया तो नहीं? तुमने भली प्रकार से जांच परख लिया या नहीं? सेवक ने विनम्रता से कहा, जी महाराज, उनकी बातों से तो वो बंजारे ही लग रहे हैं, परंतु हम लोग नटनी को नहीं देख पाए क्योंकि उसने अपना चेहरा ढक रखा है और बंजारे ने कहा है कि वो नटनी किसी के सामने भी अपना चेहरा नहीं खोलती है। यह सुन कौशलेंद्र ने क्रोध भरे स्वर में कहा, नहीं, ऐसे संदिग्ध लोगों को महल में प्रवेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी के अभी उन्हें यहाँ से दफा करो। सेवक कौशलेंद्र की आज्ञा लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि माला ने उसे रोकते हुए कौशलेंद्र से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि ऐसे शुभ अवसर पर यदि कोई हमसे शरण मांगने आया है तो हमें उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हो सकता है नटनी पर पुरुषों के आगे अपना चेहरा नहीं खोलती हो, आप कहें तो मैं उसे बुलाकर अपनी दासियों से उसकी जांच पड़ताल करवा लेती हूँ और मैं स्वयं उसका चेहरा देखकर यह तसल्ली कर लेती हूँ कि वह नटनी ही है, तब तो हम उन्हें महल में प्रवेश दे सकते हैं। माला की बात सुन मंत्री वीर सिंह भी सहमति जताते हुए बोले, हाँ महाराज, आज तो खुशी का मौका है, हमें इस तरह अपने महल के द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। सुमंत भी उन दोनों की हाँ में हाँ मिलाने लगा तो राजकुमार कौशलेंद्र ने सहमति देते हुए कहा, ठीक है महारानी, यदि आपको ऐसा लगता है तो उनको कहलवा दीजिए,
कि जब नटनी आपको अपना चेहरा दिखाएगी तभी उसे महल में प्रवेश मिलेगा, अन्यथा नहीं। यह सुन सेवक वापस बंजारे और नटनी के पास गया और उनको सारी बात बताते हुए बोला, महारानी जब नटनी का चेहरा देख लेंगी तभी तुम्हें महल के भीतर प्रवेश मिलेगा। यह सुन कल्पी हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नटनी तो कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती। कल्पी की हड़बड़ाहट देख सेवक ने कड़क लहजे में कहा, देखो जब तक हमारी महारानी नटनी का चेहरा देखकर अपनी तरफ से यह तसल्ली नहीं कर लेती कि तुम लोग सच में बंजारे हो या फिर कोई बहरूपिया, तब तक तुम्हें महल के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। कल्पी सेवक की बात का कोई जवाब दे पाता उसके पहले ही नटनी बनी राजकुमारी नंदिता ने कल्पी का हाथ पकड़कर उसे चुपचाप रहने का इशारा किया और बड़े सधे हुए लहजे में बोली, ठीक है महारानी, यदि आपको मेरा चेहरा ही देखना है तो देख लीजिए, परंतु उसके पहले आपसे मेरा एक निवेदन है, आप मेरा चेहरा सामने से न देखकर किसी तरल में मेरी छाया के रूप में देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा देखकर आप किसी परेशानी में पड़ जाएं। राजकुमारी नंदिता की बात सुन माला ने हैरान होकर कहा, ये कैसी बात कर रही हो तुम, भला मैं तुम्हारा चेहरा देखकर परेशानी में कैसे पड़ जाऊंगी? स्पष्ट शब्दों में पूरी बात बताओ, यदि तुम्हें चेहरा दिखाने में कोई परेशानी है तो वह भी मुझसे कहो, तब फिर मैं उस हिसाब से निर्णय लूंगी और ये तय करूंगी कि तुम्हें महल के भीतर बुलाया जाए या नहीं। माला की बात सुनकर राजकुमारी नंदिता उतावलेपन से बोली, नहीं नहीं महारानी, मैं आपको अपना चेहरा दिखाने के लिए मना नहीं कर रही हूं, ना ही इसमें मुझे कोई परेशानी है, बस मेरा इतना सा निवेदन है कि आप मेरा चेहरा किसी परछाई के रूप में देखें, मैं नहीं चाहती कि आपकी नजर सीधे मेरे चेहरे पर पड़े, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मेरे सर पर मंडराने वाला दुर्भाग्य आपके ऊपर चला जाएगा, जो मैं हरगिज नहीं चाहती हूं। यह बात सुन माला हैरानी और क्रोध के मिले जुले भाव से बोली, ये कैसी बात कर रही हो तुम, भला किसी को देखने से दुर्भाग्य कैसे मिल सकता है, और ऐसा कभी नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति का दुर्भाग्य दूसरे के सिर पर चला जाए। माला का क्रोध देख राजकुमारी नंदिता ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा करें महारानी, मैं आपको क्रोधित करना नहीं चाहती थी, मैं तो केवल आपको वही चेतावनी दे रही हूँ जो मुझे पंडित ने दी है। इतना कहकर राजकुमारी नंदिता ने कल्पी की ओर इशारा करते हुए कहा, दरअसल मेरे पति कुछ समय पहले बड़ी दुर्घटना के शिकार हो गए थे, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी और उस चोट के प्रभाव में आकर वे अपनी याददाश्त खो बैठे थे, जिसके चलते अपनी सारी विद्या कलाबाजियां और सारे कर्तव्य भी भूल बैठे थे। वह समय हमारे लिए बड़ा मुश्किल समय था, आप ही सोचिए, यदि कोई बंजारा या कोई तमाशा दिखाने वाला व्यक्ति अपने सारे कर्तव्य भूल जाए तो भला अपना पेट कैसे पालेगा। तब मैंने अपने पति का कई जगहों पर जाकर उपचार करवाया और एक महान पंडित से मिलकर उनके कहे अनुसार खूब दान दक्षिणा भी की। उन्होंने ही मुझे बताया था कि कुछ समय तक मेरे दुर्भाग्य का असर और रहेगा, और इतने समय यदि मैं अपना चेहरा ढककर रखूंगी तो मेरे पति पर मेरे दुर्भाग्य का कोई असर नहीं पड़ेगा और वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, परंतु यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा दुर्भाग्य मेरे ऊपर तो असर करेगा ही, साथ साथ मेरा चेहरा देखने वाले पर भी उतना ही असर करेगा। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रही थी कि आप मेरा चेहरा ना देखें, क्योंकि उन्हीं ने मुझे ये चेतावनी दी थी कि यदि कोई मुझे देखेगा तो मेरा दुर्भाग्य उसके ऊपर भी असर करेगा, और मैं यहाँ केवल आपका मनोरंजन करने आई हूँ, आपको परेशानी में डालने नहीं। राजकुमारी नंदिता की पूरी बात सुनकर माला असमंजस में पड़ गई, फिर कुछ विचार करते हुए नरम लहजे में बोली, अच्छा तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कह माला सीधे कौशलेंद्र के पास पहुंची और वहीं मंत्री वीर सिंह को भी बुला लिया। उन दोनों के साथ विचार विमर्श करते हुए माला ने पूरी बात बताई और सुझाव मांगते हुए कहा, तो कहिए क्या करूं? उसके कहे अनुसार उसका चेहरा किसी तरल में उसकी परछाई के रूप में देख लूं, या फिर उसका चेहरा बिना देखे ही उसे महल में आने दूं? कौशलेंद्र ने हंसते हुए कहा, आप भी कैसी दकियानूसी बातों पर विश्वास कर रही हैं महारानी, आपको लगता है वह बंजारन सही बोल रही होगी? माला ने गंभीर स्वर में कहा, उसकी बातों से मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही है, और सच कहूं तो मुझे विक्रम भैया को लेकर हमेशा ही आशंका रहती है, कहीं उसका कहना सही हुआ और उसके दुर्भाग्य के प्रभाव से विक्रम भैया को कुछ हो गया, तब हमारे पास कोई उपाय ना बचेगा। मैं नहीं चाहती उसका दुर्भाग्य मेरे सर पर आ जाए, इसीलिए आपसे विचार विमर्श कर रही हूं। वैसे जरूरी तो नहीं कि हम उन बंजारों का कर्तव्य देखें, मैं उन्हें लौटा ही देती हूं। ऐसा कह माला वहां से जाने को हुई, तभी मंत्री वीर सिंह ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं नहीं महारानी, इतनी रात में किसी शरणार्थी को लौटाना हमारी परंपरा नहीं रही है, यदि उसका कहना है तो उसी के अनुसार उसका चेहरा देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि परछाई के रूप में उसका चेहरा देखने से उसका दुर्भाग्य आपके ऊपर भी आएगा। तभी राजकुमार कौशलेंद्र ने चिंता करते हुए गंभीर स्वर में कहा, चेहरा देखने के लिए मेरे पास एक और उपाय है, जिससे यदि नटनी की बात सही हुई तब भी उसके दुर्भाग्य का कुछ भी प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। ऐसा कह वे सभी लोग महल के द्वार की ओर चल पड़े। वहां जाकर राजकुमार कौशलेंद्र ने बंजारे और बंजारन से कहा, देखो हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, तुम जैसे चाहो हम उसी प्रकार तुम्हारा चेहरा देखेंगे, परंतु सिर्फ महारानी नहीं, हम सब भी तुम्हारा चेहरा देखेंगे, और तुम्हें पूरा चेहरा एक बार में नहीं दिखाना है, हर किसी को अपने चेहरे का एक हिस्सा मात्र दिखाना है, जिससे तुम्हारी मन्नत भी बनी रहेगी और तुम्हारा दुर्भाग्य भी न तुम पर असर करेगा और न ही हम लोगों पर। नटनी बनी राजकुमारी नंदिता ने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए कहा, जी महाराज जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमारी नंदिता की सहमति मिलते ही तुरंत ही एक थाल का प्रबंध किया गया जिसमें साफ पानी भरा हुआ था। सबसे पहले महारानी माला राजकुमारी नंदिता को देखने के लिए आगे बढ़ी। राजकुमारी नंदिता ने पानी में झांकते हुए अपना घूंघट थोड़ा सा उठाया और उनके कोमल गुलाबी होंठ पानी की सतह पर दिखने लगे। महारानी ने देखा उनके चेहरे पर लज्जा के भाव थे और उनकी ठोड़ी पर गोदना भी गुदा हुआ था। यह देख माला ने सहमति में सिर हिला दिया और पीछे हट गई। उनके तुरंत बाद महामंत्री वीर सिंह राजकुमारी नंदिता को देखने के लिए आगे बढ़े। इस बार नंदिता ने अपने होंठ और अपनी आंखें ढक ली और केवल अपने चेहरे का बीच वाला हिस्सा दिखाया। मंत्री ने देखा एक पतली खूबसूरत सी नाक जिसमें बड़ी सी नथ पहनी हुई थी। यह देख वीर सिंह ने भी सहमति में सिर हिला दिया और पीछे हट गए। उसके बाद राजकुमार कौशलेंद्र आगे बढ़े। तब राजकुमारी नंदिता ने पानी में झांकते हुए सिर्फ अपनी आंखें दिखाई। कौशलेंद्र ने दो बेहद खूबसूरत नीली आंखें देखी।
जिनमें ढेर सारा काजल भरा हुआ था। यह देखते ही कौशलेंद्र तेज आवाज में बोल पड़े, तुम्हारी आँख तो बिल्कुल। वे अपनी बात पूरी खत्म कर पाते उसके पहले ही कल्पी हड़बड़ाते हुए कहने लगा, जी महाराज, इसकी आँखें ही तो हमारे दुर्भाग्य का असली कारण है। जैसे इसकी आँखें बिल्कुल अलग है, वैसे ही इसका भाग्य भी बिल्कुल अलग है, इसीलिए तो अपनी आँखें किसी को नहीं दिखाती। तभी महारानी उसे समझाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब हम लोग समझ गए हैं, हम लोगों ने अपनी तसल्ली कर ली। अब तुम लोग महल के भीतर आ सकते हो और आज रात महल में भी रुक सकते हो, फिर सुबह सभा में अपने कर्तव्य दिखाकर चले जाना। मंत्री ने भी माला का साथ देते हुए कहा, हाँ आ जाओ और रात में विश्राम करो, सुबह हम तुम्हारा हुनर भी देखेंगे। ऐसा कहते हुए मंत्री वीर सिंह ने एक सेवक को इशारा करके उनके साथ कर दिया और वे लोग अपने अपने कक्ष में वापस चले गए। रात काफी गहरी हो चुकी थी, इसीलिए राजकुमार कौशलेंद्र भी अपने कक्ष में आकर विश्राम करने लगे, परंतु उनके दिमाग में अभी भी कुछ खटक रहा था। नटनी की नीली आंखें रह रहकर उन्हें याद आ रही थी। वह परेशान होकर सोचने लगे, ये नीली आंखें कुछ सामान्य आंखें नहीं थी, यह तो बिल्कुल राजकुमारी नंदिता की जैसी थी, पर वो यहाँ वेश बदल कर क्यों आएगी। यही सब सोचते हुए राजकुमार कौशलेंद्र निद्रा अवस्था में चले गए। दूसरी ओर रात के अंतिम पहर में ही चंद्रमौली ने अपनी सभी सैनिक युवतियों को नदी के किनारे पर इकट्ठा कर लिया। सभी युवतियों को तीन समूहों में बांटा गया, जिसमें हर एक समूह की युवतियों को एक एक प्रतियोगिता में भाग लेना था। इस प्रकार कुल तीन चरण में प्रतियोगिता करवाई जानी थी, जिसमें सबसे पहली प्रतियोगिता थी तैराकी। चंद्रमौली ने पहले समूह को संबोधित करते हुए कहा, देखो अभी थोड़ी देर में सूर्य उदय होगा, तब सूर्य की पहली किरण के साथ ही तुम सब नदी में कूद जाना और सामने वाले किनारे की ओर तेजी से बढ़ती जाना। वहाँ एक बड़ा वृक्ष लगा हुआ है, जिस पर सुंदर और रंग बिरंगे फूल भी लगे हुए हैं, तो तुम सब लोगों में से जो भी युवती उन रंग बिरंगे फूलों को तोड़कर वापस किनारे ले आएगी, वही इस चरण की विजेता घोषित की जाएगी। यह सुनते ही समूह की सैनिक युवतियों में फुसफुसाहट होने लगी। तभी किसी युवती ने उलझन भरे स्वर में कहा, परंतु गुरुमा, वे पुष्प तो बड़े ही कोमल हैं और नदी का बहाव काफी तेज है, हम वे पुष्प तोड़ भी ले पर उन्हें नदी के बहाव से बचाकर इस किनारे तक सुरक्षित लाना तो असंभव ही है। यह सुन चंद्रमौली कड़क आवाज में बोली, जिसे यह असंभव लग रहा हो वह अभी प्रतियोगिता से बाहर हो सकती है, परंतु इतना याद रखना, विजेता सिर्फ वही होगा जो फूलों को सही सलामत किनारे पर ले आएगा। तभी रंभा ने आगे आकर उत्सुकता से कहा, परंतु गुरुमा, हमारी प्रतियोगिता का निर्णय करने वाले हमारे विशेष अतिथि राजकुमार युजवेंद्र तो अब तक यहाँ नहीं आए हैं, हम वे फूल तोड़कर ले भी आए और राजकुमार को ना दे पाए तो प्रतियोगिता जीतने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। यह सुनते ही समूह की सभी युवतियाँ हंसने लगी। तभी उन सभी को राजकुमार युजवेंद्र की आवाज़ सुनाई थी। वह गुरुमा को कुछ बोलते हुए उनकी तरफ बढ़े, क्षमा करना, लगता है मुझे आने में देरी हो गई। गुरुमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं राजकुमार, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई है, सूर्य की पहली किरण देखते ही प्रतियोगिता शुरू की जाएगी। फिर उन्होंने किनारे के थोड़ी दूरी पर पड़े कुर्सी नुमा पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, आप इस पर विराजिए, यहाँ से आप सभी युवतियों पर नजर रखवाएंगे। गुरुमा की आज्ञा पाकर राजकुमार युजवेंद्र वहां जाकर बैठ गए। सूर्य उदय होते ही गुरुमा ने पहले समूह की युवतियों को सतर्क करते हुए कहा, देखो सूर्य उदय होने लगा है, सभी युवतियां नदी में कूदने के लिए तत्पर रहें, प्रतियोगिता का समय शुरू होता है। उनका आदेश पाकर सभी युवतियों ने नदी में छलांग लगा दी। इधर दूसरी ओर सब लोगों के चले जाने पर बंजारा और बंजारन बने कल्पी और राजकुमारी नंदिता को महल में खोजबीन करने का अवसर मिल गया। एकांत का पूरा फायदा उठाते हुए राजकुमारी नंदिता ने तुरंत अपनी दो बहुरूपी छवियां बनाई और उन्हें महल में खोजबीन करने के लिए भेज दिया और स्वयं ध्यान मग्न होकर अपनी छवियों से संपर्क साध कर बैठ गई। राजकुमारी नंदिता की छवियां उनके आदेश के अनुसार महल के कोने कोने में जाकुमार युजवेंद्र को खोजने लगी। तभी एक छवि राजकुमार कौशलेंद्र के कक्ष के बाहर पहुंची। जब उसने कक्ष के भीतर जाकर देखा तो राजकुमार कौशलेंद्र गहरी नींद में सोए हुए थे, मगर तब भी उनके चेहरे पर चिंता के भाव दिख रहे थे। उनके माथे पर बल पड़े हुए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भयानक सपने में डूबे हुए हों। राजकुमारी नंदिता ने अपनी छवि को भीतर जाने का आदेश दिया और छवि ने ठीक वैसा ही किया, परंतु कौशलेंद्र के कक्ष में भी हर जगह खोजने पर राजकुमार युजवेंद्र का कोई निशान नहीं मिला। काफी समय बाद भी जब महल में कहीं भी राजकुमार युजवेंद्र के होने का कोई निशान नहीं मिला, तब राजकुमारी नंदिता परेशान होकर कहने लगी, पूरा महल छान मारा परंतु राजकुमार युजवेंद्र तो कहीं भी नहीं मिले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कौशलेंद्र ने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया हो। यह सुनते ही कल्पी एक झटके के साथ उठा और राजकुमारी नंदिता से बोला, तुम अपनी छवि के जरिए मुझे बंदी गृह में जाने का रास्ता बताओ, मैं अभी बंदी गृह में जाकर राजकुमार युजवेंद्र को खोज कर ले आता हूँ। कल्पी की फुर्ती देख राजकुमारी नंदिता ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं कल्पी, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा, तुम छुप छुप कर नहीं जा पाओगे और यदि तुम्हें किसी ने देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। मैं अपनी छवि को ही भेजती हूँ, वही राजकुमार युजवेंद्र को खोज लाएगी। ऐसा कह राजकुमारी नंदिता ने अपनी एक छवि को वापस बुला लिया और दूसरी छवि को महल के तलघर में बने बंदी गृह में जाने के लिए कहा, परंतु तभी कल्पी ने राजकुमारी नंदिता को रोक दिया, नहीं नहीं नंदिता, तुम्हारी छवि को बंदी गृह में भेजने से कोई लाभ नहीं होगा, यदि राजकुमार युजवेंद्र वहां हुए भी तो हमारी छवि उन्हें छुड़ाकर नहीं ला पाएगी, और कहीं गलती से भी तुमने स्वयं जाकर राजकुमार युजवेंद्र को छू लिया तो अनर्थ हो जाएगा, उसके लिए मुझे स्वयं वहां जाना होगा। तुम यहां कक्ष में बैठकर अपनी छवि के जरिए सब कुछ देखती रहना और मैं जाकर राजकुमार युजवेंद्र को खोजता हूं, यदि मैं कहीं तुम्हें संकट में लगूं तब तुम बाहर निकल आना। कल्पी की बात मानकर राजकुमारी नंदिता ने ऐसा ही किया और कल्पी को बंदी गृह का मार्ग बताते हुए बोली, मेरी छवि के हिसाब से मंदिर के पश्चिमी कोने में जो सीढ़ियां बनी हुई हैं वही नीचे तलघर की ओर जाती है, तुम वहां से बंदी गृह में जा सकते हो। राजकुमारी नंदिता की बात सुन कल्पी तुरंत वहां से चला गया, उसने एक काला कपड़ा लेकर अपने ऊपर ओढ़ लिया और धीरे धीरे छुपते हुए बंदी गृह की ओर बढ़ने लगा। बंदी गृह में पहुंचकर उसने एक खंभे के पीछे छुपकर कारावास में मौजूद सभी कैदियों पर सरसरी निगाह डाली। उन कैदियों में कहीं भी राजकुमार युजवेंद्र नहीं दिख रहे थे।
तब कल्पी बहुत ध्यान से एक एक कैदी को देखने लगा, परंतु ऐसा करते हुए वो यह भूल ही गया कि उसका लंबा चौड़ा शरीर खंभे के पीछे छुपने में असमर्थ था। वह पूरी तल्लीनता से अपना काम कर रहा था कि तभी कारावास के मुख्य द्वार पर पहरा देते हुए एक सैनिक की निगाह उस पर गई। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए कल्पी का काला कपड़ा पकड़कर खींचना चाहा, मगर कल्पी ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे हिचकित कर दिया। यह शोर सुनते ही कारावास के भीतर मौजूद और सैनिक भी वहां पहुंच गए और कल्पी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर कल्पी तेजी से कारावास के बाहर निकलते हुए सीढ़ियों तक पहुंच गया। तभी किसी सैनिक ने उसका काला कपड़ा पकड़कर खींच दिया। मंत्री वीर सिंह भी शोर सुनकर वहां पहुंच गए थे। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कल्पी को देखा तो तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोले, अरे ये तो वही बंजारा है, लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मंत्री वीर सिंह की आवाज सुनते ही कल्पी ने भयभीत होते हुए उसे देखा। कल्पी को उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। तभी राजकुमारी नंदिता की आवाज कल्पी को सुनाई थी। वे चिल्लाते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी। मंत्री वीर सिंह का ध्यान जब उनके ऊपर गया तो वे और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगी, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कुछ समय है कर्तव्य दिखाने का? चलिए वापस। पता नहीं क्या आदत है, भरी नींद में उठकर चले आते हैं, फिर ये भी नहीं पता चलता कि जो कर रहे हैं वो नींद के वशीभूत होकर कर रहे हैं या जागते हुए। कल्पी राजकुमारी नंदिता की बात समझ गया और बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया कि जैसे वो अभी नींद में हो। नंदिता कल्पी को पकड़कर झकझोरने लगी, जैसे जगाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा करते हुए मंत्री वीर सिंह से बोली, मंत्री जी इन्हें नींद में चलने की बीमारी है। मंत्री वीर सिंह शंका जताते हुए बोले, इसकी हरकतों को देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था कि ये अभी नींद में है। इतना ध्यान रखना, तुम लोग जब तक महल के भीतर हो हमारी निगरानी में हो, किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो तुरंत सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजकुमारी नंदिता झुककर क्षमा मांगते हुए बोली, क्षमा करें मंत्री जी, मैं तो खुद परेशान हूँ। दरअसल इनके सिर पर लगी हुई चोट के कारण ये कभी कभी ऐसी हरकतें करने लगते हैं। ऊपर से महल में इतने ऐशो आराम भरे माहौल में और मुलायम बिस्तर पर लेटकर इन्हें कब से नींद ही नहीं आ रही थी, और जब सोए तो देखिए यहाँ आ पहुँचे। मंत्री जी, हम बंजारों को कहाँ ये सब नसीब होता है, ये तो आपका बड़प्पन है जो हमें यहाँ रहने दिया। मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। राजकुमारी नंदिता ने कल्पी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे अपने साथ कक्ष की ओर ले जाने लगी। कल्पी भी बिल्कुल खामोश रहकर ऐसे उनके पीछे चलने लगा जैसे अभी भी वो नींद में ही हो। सुबह होती ही ये बात माला और कौशलेंद्र के कानों तक भी पहुंच गई। राजकुमार कौशलेंद्र मंत्री को चेतावनी देते हुए बोले, इन दोनों पर नजर रखना, मुझे अभी इन पर शंका है, क्योंकि नटनी की आंखें कोई सामान्य आंखें नहीं है। जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। तभी सुमंत भी वहां पहुंच गया और उनकी हां में हां मिलाते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही बात है, किसी भी अनजान व्यक्ति को रात भर के लिए महल में रखना खतरनाक भी हो सकता है। परंतु अब चलो ठीक है, जो सबने मिलकर निर्णय लिया ठीक ही लिया होगा, मगर हाँ उनके ऊपर निगरानी तो रखनी चाहिए। फिर अपनी बात का विषय बदलते हुए सुमंत ने राजकुमार कौशलेंद्र से कहा, महाराज क्या आपने वो जड़ी बूटी मंगवा ली जिनसे महामंत्री विक्रम के लिए औषधियां बनानी है? मैंने आपसे कहा था कुछ और औषधियों की आवश्यकता है, यदि आप अपनी तरफ से नहीं मंगवा सकते तो आप मुझे थोड़ा धन दे दीजिए, मैं स्वयं जाकर वे जड़ी बूटियां ले आऊंगा। सुमंत की बात पर राजकुमार कौशलेंद्र ने माला की ओर देखते हुए कहा, क्षमा करें वैद्यराज, राजकोष का कार्यभार व जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं। आपको धन संबंधी यदि कोई भी बात कहनी हो तो महारानी जी से कहिए, वही आपको औषधियों और जड़ी बूटियों के लिए धन दे सकती है, मैं नहीं। कौशलेंद्र की बात सुन मंत्री वीर सिंह और माला एक दूसरे को देखने लगे। माला ने मंत्री से कहा, मंत्री जी अभी के अभी वैद्यराज को थोड़ा धन लाकर दे दीजिए, औषधियों और विक्रम भैया के उपचार में तो खर्चा होगा ही। ऐसा कह उन्होंने सुमंत से कहा, आपको जितना धन चाहिए मंत्री वीर सिंह से ले लीजिए। यह देख सुमंत ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, क्षमा करें महारानी, मुझे लगता है कि आपके महल में महाराज से ज्यादा चलती मंत्री वीर सिंह की है, वरना ऐसा तो कहीं नहीं देखा कि राजकोष की जिम्मेदारी महाराज के पास न होकर उनके किसी अधिकारी के पास रहे। यह सुनते ही माला का चेहरा फीका पड़ गया और वह नजर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। तभी कौशलेंद्र ने सुमंत से कहा, वैद्यराज आप इन सब बातों को छोड़िए और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ महामंत्री विक्रम के उपचार पर लगाइए। धन आपको मेरे हाथों से मिला या मंत्री वीर सिंह के हाथों से, पर इतना तो तय है कि आपको उपचार के लिए धन की कमी नहीं होगी। कौशलेंद्र की बात सुन माला आभार व्यक्त करते हुए उन्हें देखने लगी। कौशलेंद्र के चेहरे पर इस समय उदारता के भाव झलक रहे थे, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था, अब धीरे धीरे माला को यह विश्वास तो दिलाना ही है कि मुझे धन का लालच नहीं। जब माला और मंत्री वीर सिंह वहां से चले गए तो कौशलेंद्र ने सुमंत से अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, सुमंत जब से मैंने उस नटनी की आंखों को देखा है तब से मन में कुछ कांटा सा चुभ रहा है, जाने क्यों रह रहकर यह विचार आ रहा है कि यह कोई नटनी नहीं बल्कि राजकुमार युजवेंद्र की धर्मपत्नी राजकुमारी नंदिता है, क्योंकि इस तरह की नीली आंखें मैंने सिर्फ उसी की देखी थी और अब दूसरी बार इस नटनी की देख रहा हूं, परंतु यह समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा वेश धारण करके यहां क्यों आई है। बहुत दिनों से उधमपुर से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा, इसीलिए मुझे ये भी नहीं मालूम कि वहां चल क्या रहा है। सच कहूं तो नटनी को देखते ही मुझे शंका हुई थी और इसीलिए मैंने अपने गुप्तचर को उधमपुर का हालचाल जानने के लिए भेज दिया था, परंतु अभी भी वो वापस नहीं आया है। दूसरी ओर तैराकी प्रतियोगिता की सभी प्रतिभागी गुरुमा का इशारा पाते ही नदी में कूद पड़ी। सभी युवतियां नदी के ठंडे पानी में तैरती हुई उसके तेज बहाव का विरोध करती हुई पूरी गति से आगे बढ़ती जा रही थी। उन सब में रंभा सबसे आगे थी। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि वो कैसे भी करके उन रंगीन फूलों को तोड़ कर लाए और राजकुमार युजवेंद्र को भेंट स्वरूप दे दे। वह बार बार मुड़कर राजकुमार युजवेंद्र को भी देखती जा रही थी और जैसे ही वह ये देखती कि राजकुमार युजवेंद्र उसे देख रहे हैं तो उसका हृदय उत्साह से भर उठता और उसकी चाल और तेज हो जाती।
इसी हड़बड़ी में तेज गति से आगे बढ़ते हुए रंभा बहाव में आने वाले एक बड़े पत्थर से टकरा गई और उसके हाथ पर गहरी चोट लग गई, जिससे थोड़ी देर के लिए उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नदी की तेज धार के साथ बहते हुए आगे जाने लगी। यह देख सभी प्रतिभागी युवतियां दहशत में आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, परंतु सबके लिए यह प्रतियोगिता जीतना भी अत्यंत आवश्यक था। गुरुमा ने यह बात याद दिलाते हुए तेज आवाज में कहा, सभी प्रतियोगी अपनी अपनी प्रतियोगिता पर ध्यान दें, जो रह जाएगा उसे हम बाद में देख लेंगे। किसी एक की वजह से प्रतियोगिता रद्द नहीं होनी चाहिए। गुरुमा का आदेश सुन सभी युवतियां आगे बढ़ने लगी। सब लोगों ने देखा रंभा उन्हें आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। राजकुमार युजवेंद्र भी यही देख विचलित हो उठे कि रंभा के अचानक इस तरह नदी में बह जाने के बावजूद गुरुमा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही वह रंभा को खोजने के लिए आगे बढ़ी, बल्कि वे तो आराम से बाकी प्रतिभागियों को भी आगे बढ़ने के लिए ही कह रही हैं। राजकुमार युजवेंद्र हैरान होकर कभी गुरुमा को देखते तो कभी बाकी प्रतियोगियों को। उन्हें भले ही रंभा से कोई मोह नहीं था, परंतु इस तरह अचानक बीच प्रतियोगिता में से रंभा का गायब हो जाना उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ ही क्षणों के बाद नदी का बहाव और तेज हो गया। तब समूह की कुछ और युवतियां बीच प्रतियोगिता में ही हार मानकर रुकने लगी। किसी ने बड़े पत्थर का सहारा लेकर खुद को वहीं पर रोक लिया और कुछ धीमी गति से आगे बढ़ती रही। यह देख गुरुमा विचलित होकर बोली, क्या यही प्रशिक्षण दिया है मैंने तुम सबको? उठो आगे बढ़ो, यह प्रतियोगिता तुम सबको पूरी करनी ही होगी। गुरुमा की फटकार सुन युवतियों ने फिर से हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगी। जैसे ही कुछ युवतियां दूसरे किनारे पर पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि रंभा वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। उन्होंने आगे बढ़कर रंभा को गले लगा लिया, क्योंकि सब लोगों को यह लग रहा था कि रंभा नदी के साथ बहकर आगे निकल चुकी है, अब शायद वह कभी वापस ना मिले। रंभा को सही सलामत जीवित देख सबको बड़ी खुशी हुई, परंतु रंभा का हाथ गंभीर रूप से घायल हो चुका था, उसकी कोहनी से रक्त भी बह रहा था। इतने पर भी रंभा ने हिम्मत नहीं हारी थी और वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। यह देख सभी युवतियां उसे रोकती हुई बोली, रंभा पागल मत बनो, प्रतियोगिता को जीतना उतना भी जरूरी नहीं है कि तुम अपनी जान जोखिम में डाल दो। भला एक हाथ से तुम इस पेड़ पर कैसे चढ़ पाओगी? और मान लो चढ़ भी गई और फूल भी तोड़ लिए, फिर एक हाथ में फूल पकड़कर वापस उस किनारे तक पहुंचना तुम्हारे लिए संभव ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा दूसरा हाथ बुरी तरह घायल है। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम बिना फूल तोड़े ही वापस हमारे साथ चलो। मगर रंभा उन सब की बात सुने बिना बार बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती रही। राजकुमार कौशलेंद्र अपनी व्यथा कह रहे थे कि तभी उनका गुप्तचर भी वहां आ पहुंचा और उधमपुर का हाल बताते हुए कहने लगा, राजकुमार कौशलेंद्र, आपकी शंका बिल्कुल सही है, यह कोई नटनी नहीं बल्कि राजकुमारी नंदिता ही है और उनके साथ आया हुआ बंजारा दैत्य कल्पी है। दरअसल राजकुमार युजवेंद्र इस समय महल में नहीं है, संभवत ये दोनों उन्हीं का पता लगाने के लिए यहां आए होंगे, परंतु इस विषय में मैं अधिक निश्चय के साथ कुछ नहीं कह सकता। गुप्तचर की बातें सुन राजकुमार कौशलेंद्र और सुमंत दोनों ही हैरान रह गए। कुछ विचार विमर्श करते हुए राजकुमार कौशलेंद्र ने अपने गुप्तचर को वापस भेज दिया और सुमंत से बोले, देखो सुमंत, मैं पक्के तौर पर यह पता लगाना चाहता हूँ कि क्या ये लोग सच में राजकुमार युजवेंद्र को खोजने के लिए ही यहाँ आए हैं या फिर हमें कोई हानि पहुँचाने। तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो, तुम्हें बस राजकुमार युजवेंद्र की आवाज़ निकाल कर उन दोनों को यह भरोसा दिलाना होगा कि राजकुमार युजवेंद्र यहीं है। सुमंत ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो ना राजकुमारी नंदिता को जानता हूँ ना ही तुम्हारे भाई राजकुमार युजवेंद्र को। तभी कौशलेंद्र ने उसे याद दिलाते हुए कहा, ऐसा मत कहो सुमंत, तुम्हें याद नहीं है क्या, गुरुकुल में राजकुमार युजवेंद्र भी हमारे साथ ही थे, इसीलिए तुम ना सिर्फ उनसे भली भांति परिचित हो बल्कि उनकी आवाज भी अच्छी तरह निकालना जानते हो। गुरुकुल में कितनी ही बार तुमने उनकी आवाज निकालकर मुझे बुद्धू बनाया था और मेरी आवाज निकालकर उन्हें। यह सुन सुमंत झुंझलाते हुए बोला, तब की बात और थी, तब हम सब किशोर थे, परंतु अब हम सब युवा हो चुके हैं और हमारी आवाजें भी बदल गई हैं, और सबसे बड़ी बात, मैं राजकुमार की आवाज यहां क्यों निकालूंगा भला। राजकुमार कौशलेंद्र झट से बोल पड़े, राजकुमारी नंदिता को अपने जाल में फंसाने के लिए। इधर दूसरी ओर उधमपुर राज्य में जब महाराज व महारानी सुबह सोकर उठे तो महाराज ने देखा कि महारानी अत्यधिक चिंता में बैठी हुई थी। महाराज ने स्नेह पूर्वक उनसे पूछा, क्या हुआ महारानी, आप इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? आपकी आंखों पर पड़े काले घेरे देखकर लगता है जैसे आप रात भर सोई ही नहीं। महारानी बिफरते हुए बोली, कैसे सो सकती हूँ मैं, जिसका बेटा लापता है और बहू भी दुश्मनों के राज्य में चली गई है। महारानी का उलाहना सुन महाराज गंभीर होकर बोले, राजकुमार युजवेंद्र और राजकुमारी नंदिता की चिंता तो मुझे भी है, और वैसे भी राजकुमारी नंदिता इतनी कमजोर नहीं है कि वे भानगढ़ जाते ही संकट में पड़ जाए। फिर भी मैंने उन्हें समझा दिया है कि यदि उन्हें जरा सा भी संकट महसूस हो तो वे मुझे एक संकेत भेज दें, पर देखिए अभी तक उनका कोई संकेत नहीं आया है, यानी कि सब कुछ उनकी योजना के अनुसार ही चल रहा होगा, वरना वे अभी तक अपनी बहू रूपी छवि को हमारे पास मदद की गुहार लेकर अवश्य भेज देती। महारानी क्रोध से महाराज को देखते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता महाराज, और ना ही अब किसी पर भरोसा है। मैंने अभी तक यही देखा है कि जब जब नंदिता और युजवेंद्र एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें लंबे समय तक दूर रहना पड़ता है, बस इसीलिए आशंकित हूँ। माँ हूँ ना, बेटे और बहू की चिंता तो दिल पर पत्थर बनकर रखी हुई है। एक क्षण के लिए भी मैं नहीं भूल पा रही हूँ कि आज मेरे बेटे बहू दोनों अलग अलग जगह पर अलग अलग संकट में फंसे हुए हैं। मेरा वश चलता तो मैं अभी जाकर युजवेंद्र को ढूंढ लाती या नंदिता के साथ ही चली जाती। महाराज उन्हें धीरज बंधाते हुए बोले, धैर्य से काम लीजिए महारानी, जाने को तो मैं भी भानगढ़ जा सकता हूँ, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा उठाया गया कदम राजकुमारी नंदिता की सहायता करने की बजाय उन्हें और अधिक संकट में डाल दे, बस इसीलिए हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ। मगर इतना भरोसा कीजिए कि राजकुमारी नंदिता को कुछ नहीं होने दूंगा। एक तरफ महाराज व महारानी दोनों परेशान थे, वहीं दूसरी ओर भानगढ़ में राजकुमारी नंदिता कौशलेंद्र के इरादों से अनजान थी। जब वे कल्पी को वापस लेकर अपने कक्ष में पहुंची तो समझाते हुए बोली, देखो कल्पी, अभी तो हम बाल बाल बच गए, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें हमारे ऊपर शक हो गया हो।
बेहतर होगा कि हम खोजबीन छोड़कर कुछ कर्तव्य दिखाने की तैयारियां करें, जिससे उनको भरोसा हो जाए कि हम सिर्फ कर्तव्य दिखाने के लिए ही यहाँ आए थे। कल्पी ने राजकुमारी नंदिता की बात मान बंजारों वाले कर्तव्य करने का अभ्यास शुरू कर दिया। तभी एक सेवक उनके पास आया और महारानी का संदेश देते हुए बोला, कुछ ही समय में सभा शुरू की जाएगी, तब आप लोग सभा में आकर अपने कर्तव्य दिखा सकते हैं। कल्पी ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, समय से उपस्थित हो जाएंगे। सेवक के चले जाने के बाद राजकुमारी नंदिता उदास होकर बैठ गई। कल्पी ने जब उनकी उदासी का कारण पूछा तो वे भारी मन से बोली, क्या कहूँ, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए और राजकुमार युजवेंद्र को भी नहीं खोज पाए, इसीलिए मैं उदास हूँ। चारों दिशाओं में खोजने पर भी जब राजकुमार युजवेंद्र का पता नहीं चल रहा था, तब मुझे लगा हो ना हो राजकुमार कौशलेंद्र ने अवश्य ही उनका अपहरण कर लिया है, परंतु महल में आकर भी हमें उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। ऊपर से यहां हम दुश्मनों के बीच घिरे बैठे हैं, तो पल पल पर खतरा बना हुआ है। राजकुमारी नंदिता को इस तरह परेशान देख कल्पी समझाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि राजकुमार युजवेंद्र यहां है। हम ऐसा करते हैं, सभा शुरू होने के बाद कर्तव्य दिखाकर तुरंत ही महल छोड़कर चले जाएंगे। अब यहां ज्यादा रुकना खतरे से खाली नहीं, तुम अपने कर्तव्यों का अभ्यास करो, मैं अभी स्नान करके आता हूं। ऐसा कह कल्पी वहां से चला गया और राजकुमारी नंदिता कर्तव्य का सामान निकालने लगी, जिसमें लोहे के बड़े बड़े छल्ले, मिट्टी का तेल, रस्सी आदि यह सब सामान रखा हुआ था। तभी उन्हें खुशफुसाहट की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कमरे में बने रोशनदान के नीचे खड़े होकर कान लगाया और ध्यान से सुनने लगी। राजकुमार कौशलेंद्र की आवाज थी, जो कि किसी को धमका रहे थे। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें यहाँ लेकर आऊंगा तो ऐसे ही जीवित छोड़ दूंगा? आज की सभा के बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, फिर उधमपुर पर सिर्फ मेरा हक होगा। रही राजकुमारी नंदिता और महाराज को तुम्हारी मृत्यु की खबर लगने की बात, तो वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको तो यही लग रहा होगा कि तुम बीच मार्ग से ही कहीं लापता हो गए हो। उन्हें क्या पता कि तुम्हें मैं यहाँ उठा कर ले आया हूँ। ऐसा कह कौशलेंद्र दबी हुई हंसी में हंसने लगा। तभी किसी का निवेदन भरा स्वर सुनाई दिया, नहीं कौशलेंद्र, ऐसा मत करो, तुम तो मेरे छोटे भाई हो। तुम्हें यदि राज्य का मोह है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, राजगद्दी तुम्हें ही मिलेगी, परंतु मुझसे कम से कम जीने का अधिकार तो ना छीनो। मेरी पत्नी नंदिता मेरा इंतजार कर रही है, उसके लिए मुझे वापस जाना ही होगा। यह सुनते ही राजकुमारी नंदिता आश्चर्य के साथ बोल पड़ी, ये तो राजकुमार युजवेंद्र की आवाज है, और बिना समय गवाए दौड़ते हुए उस जगह पर जा पहुंची जहां से उन्हें आवाज आ रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। वह कुछ समझ पाती तब तक एक बहुत बड़ा सा जाल उनके ऊपर आ गिरा और राजकुमारी नंदिता उसमें फंस गई। राजकुमारी नंदिता को कुछ समझ आता उसके पहले ही वो जाल में फंस चुकी थी। उन्होंने अपने हाथ पैर मारते हुए जाल को हटाने की बहुत कोशिश की, मगर वे जाल से बाहर निकलना तो दूर, उस जाल को खुद से अलग भी नहीं कर पा रही थी। थक हार कर उन्होंने छटपटाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है यहाँ तो आसपास कोई नहीं दिख रहा है, फिर पता नहीं किसने जाल फेंक कर मुझे फंसा लिया है। महारानी जी, महारानी जी, कृपया मेरी आवाज़ तो सुनिए, कोई है जो मेरी आवाज़ सुन रहा हो? राजकुमारी नंदिता परेशान होकर बार बार इसी तरह आवाज़ लगाती रही, परंतु वहाँ कोई नहीं आया। वह हैरान होकर सोचने लगी, अभी अभी तो मुझे राजकुमार युजवेंद्र की आवाज सुनाई दे रही थी, फिर जब मैं यहाँ पहुंची तब राजकुमार युजवेंद्र तो क्या, कोई भी नहीं था, ऐसा भला कैसे हो सकता है? जब कल्पी स्नान करके वापस अपने कक्ष में आया तो वहाँ राजकुमारी नंदिता को न देखकर परेशान हो उठा। तभी उसके कानों में राजकुमारी नंदिता की आवाज पड़ी, कोई है, मेरी मदद कीजिए, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। यह सुनते ही कल्पी तुरंत उस तरफ जा पहुंचा जहां से राजकुमारी नंदिता की आवाज आ रही थी, परंतु उसके वहां पहुंचते ही तुरंत कई सारे सैनिक आ गए और कल्पी को बंदी बना लिया। कल्पी के कैद होते ही राजकुमार कौशलेंद्र मंत्री वीर सिंह को लेकर वहां पहुंच गए और जोर जोर से ताली बजाते हुए बोले, आपकी हिम्मत की तो तारीफ करनी पड़ेगी राजकुमारी नंदिता, भानगढ़ के महल में प्रवेश करने के लिए आपने बंजारन बनना भी स्वीकार कर लिया। अरे ऐसा क्या चाहिए था आपको हमसे जिसके लिए ये सब नाटक करना पड़ा? एक बार मुंह खोलकर मुझसे बोल दिया होता मैं तो स्वयं आपके चरणों में समर्पित हो जाता, कम से कम आपको इस दैत्य की पत्नी बनने का झूठ तो ना बोलना पड़ता। राजकुमार की बातें सुनकर कल्पी और राजकुमारी नंदिता दोनों को ही समझ आ गया था कि कौशलेंद्र को सब कुछ पता चल चुका है। राजकुमारी नंदिता अब भी नटनी के वेश में ही थी और उन्होंने घूंघट भी डाल रखा था। घूंघट के भीतर ही भीतर राजकुमारी नंदिता घबराते हुए सोच रही थी, यह सही नहीं हुआ, अगर राजकुमार कौशलेंद्र को सच में सब कुछ पता चल चुका है तो अब तो वो मुझे यहाँ से जीते जी बाहर नहीं जाने देगा, मैंने अपने साथ साथ कल्पी को भी मुसीबत में डाल दिया। राजकुमारी नंदिता अपनी नाकामी पर अफसोस कर रही थी तभी कौशलेंद्र ने ताना मारते हुए कहा, वैसे आप इस घूंघट का कोई काम नहीं राजकुमारी नंदिता, आपने कहानी तो अच्छी बनाई थी पर आपकी सच्चाई इस कहानी से छुप न सकी। तभी माला भी वहां पहुंच गई और सामने का दृश्य देख हैरान होते हुए मंत्री और कौशलेंद्र से पूछने लगी, ये सब क्या है, आपने इन दोनों को इस तरह पकड़ क्यों रखा है, अभी तो कर्तव्य शुरू भी नहीं हुआ। माला की बात का उत्तर देते हुए कौशलेंद्र ने कहा, अरे कर्तव्य तो ये लोग जब से यहां आए हैं तभी से कर रहे हैं, बस हमें समझने में जरा देर लगी। ऐसा कह कौशलेंद्र ने सारी बात माला को बता दी। उन दोनों की सच्चाई जान माला हैरान होकर पूछने लगी, अरे लेकिन राजकुमारी नंदिता स्वयं हमारे महल में क्यों आएंगी, ये तो भली भांति जानती हैं कि ये दुश्मनों का राज्य है। इस पर राजकुमार कौशलेंद्र ने कहा, कोई बात नहीं, अब आ ही गई हैं तो हमें इनकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। इतना कह उन्होंने सैनिकों को तेज आवाज में आदेश दिया, जाओ इन दोनों को कारागार में डाल दो। दूसरी ओर टापू पर राजकुमार युजवेंद्र अपनी जगह पर बैठे प्रतियोगिता पर पूरी नजर रख रहे थे। भले ही दूसरे किनारे का दृश्य उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा था, परंतु उन्हें पता चल गया था कि रंभा वहां पहुंच चुकी है। यह देख राजकुमार युजवेंद्र मन ही मन सोचने लगे, मानना पड़ेगा रंभा है तो जिद की पक्की, चोट लगने और तेज धार में बह जाने के बावजूद वह बाकी प्रतियोगियों से पहले ही दूसरे किनारे पर जा पहुंची। अब देखना यह होगा कि वो पुष्प लेकर यहाँ किस प्रकार पहुंचती है।
वहीं चंद्रमौली भी पूरी एकाग्रता से सभी प्रतिभागियों को देख रही थी। एक एक प्रतियोगी की हर हरकत पर उसकी नजर थी, परंतु वो बिल्कुल खामोश थी। उसने भी रंभा को देख तो लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। दूसरे किनारे पर पहुंची कुछ युवतियों ने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़कर फूल तोड़ने शुरू कर दिए। रंभा भी फूल तोड़ने का प्रयास कर रही थी, परंतु एक हाथ के जख्मी होने के चलते वो बार बार वृक्ष से नीचे गिर जाती। यह देख उसकी कुछ साथियों ने दया दिखाते हुए कहा, तू रहने दे रंभा, हम तेरे लिए फूल तोड़ कर दे देते हैं। वैसे ही तू घायल है, अभी कहीं और ज्यादा चोट लग गई तो तुझे उस किनारे तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कह उसकी सहेलियों ने उसके लिए भी पुष्प तोड़ दिए, परंतु रंभा ने उन फूलों को लेने से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं किसी तरह का विश्वासघात नहीं करना चाहती, खासकर तब जब ये फूल मुझे राजकुमार युजवेंद्र को देने हैं। देखो, प्रतियोगिता जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है राजकुमार युजवेंद्र का दिल जीतना। मैं अपने लिए फूल स्वयं तोड़ूंगी, तुम लोग अपने अपने पुष्प लेकर जा सकती हो। रंभा की ये बात सुन सभी सैनिक युवतियां बारी बारी से फूल लेकर वहां से निकलने लगी। सबको पूरा विश्वास हो चुका था कि अब रंभा यह प्रतियोगिता जीतने वाली तो नहीं है, क्योंकि पहले तो जख्मी हालत में उसके लिए फूल तोड़ना ही मुश्किल है, और मान लो उसने फूल तोड़ भी लिए तो वह एक हाथ से तैरते हुए किनारे पर बाकी युवतियों से पहले तो नहीं पहुंच पाएगी। यह सोच सभी प्रतिभागी वहां से चली गई। सबके जाते ही रंभा ने पेड़ के आसपास पड़े पत्थर उठाने शुरू कर दिए और जोर जोर से उन पत्थरों को पेड़ की तरफ उछालने लगी। कुछ ही समय में पत्थरों की चोट से पेड़ की डालियां हिलने लगी और कई सारे फूल नीचे आकर गिर गए। रंभा ने उन फूलों को उठाकर अपने जूड़े में लगा लिया और वापस पहले किनारे की ओर तैरने लगी। तैरते हुए भी रंभा पूरा प्रयास कर रही थी कि उसका सिर पानी के ऊपर ही रहे, जिससे फूल पानी के तेज प्रहार से बचे रहे। रंभा की सारी हरकतों को देखते हुए राजकुमार युजवेंद्र मन ही मन सोचने लगे, कमाल है, रंभा को अच्छी तरह मालूम है कि वह बाकी प्रतिभागियों से पीछे है, फिर भी उसने अपने सभी साथियों के निकल जाने के बाद ही पत्थर उछालना ठीक समझा। यह वास्तव में काबिले तारीफ है। अगर वह उन सबके वहां रहते हुए पत्थर उछालने लगती तो उसकी सहेलियों को चोट लग सकती थी। खुद परेशानी में होते हुए भी रंभा ने इस बात का कितना ध्यान रखा, जबकि प्रतियोगिता जीतने के लिए तो कई बार प्रतिभागी जानबूझकर अपनी प्रतिद्वंदी को चोट पहुंचा देते हैं। रंभा की यह हरकत देख मैं बड़ा प्रसन्न हूं। भले ही वह प्रतियोगिता हार जाए, परंतु उसने सबका दिल तो जीत ही लिया है। वहीं गुरुमा भी बड़े गर्व से रंभा को देख रही थी और रंभा एक हाथ से भी बड़ी कुशलता से तैरते हुए आगे बढ़ती आ रही थी। कुछ ही समय में सभी सैनिक युवतियां किनारे पर आने लगी। रंभा पहले स्थान पर तो नहीं आ पाई, परंतु फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह तीसरे स्थान पर आकर प्रतियोगिता में विजयी हुई, क्योंकि सिर्फ उसके द्वारा लाए गए फूल ही पूरी तरह सही सलामत थे। राजकुमार युजवेंद्र उसकी तारीफ करते हुए बोले, कमाल है रंभा, तुमने बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्रतियोगिता पूरी की है। इसे देखते हुए तुम तो प्रथम स्थान से भी आगे हो। लाओ, अपने पुष्प मुझे दे दो। यह सुन रंभा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उसने अपने फूल ले जाकर राजकुमार युजवेंद्र को थमा दिए। इसके तुरंत ही बाद दूसरे दल को प्रतियोगिता के लिए आगे बुलाया गया और घुड़सवारी की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। सभी युवतियां अपने अपने घोड़े निकालकर निश्चित जगह पर इकट्ठी हो गईं। कुरुमा ने प्रतियोगिता के नियम व शर्त बताते हुए सभी को टापू के साथ चक्कर लगाने के लिए कहा, क्योंकि टापू की जमीन उबड़ खाबड़ थी और बीच बीच में कई जगह पर पानी भी भरा हुआ था, इसीलिए उस क्षेत्र में घुड़सवारी करना कोई आसान काम नहीं था, और ऊपर से पूरे टापू के साथ चक्कर लगाना। ये सुन सभी सैनिक युवतियां गंभीर हो गईं। प्रतियोगिता का समय शुरू होते ही सभी युवतियां अपने घोड़ों को तेज गति से दौड़ाने लगीं। राजकुमार युजवेंद्र दूसरी प्रतियोगिता में भी बड़े ध्यान से हर एक प्रतिभागी को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, मानना पड़ेगा गुरुमा ने हर एक प्रतिभागी को न सिर्फ हर विद्या कुशलता से सिखाई है, बल्कि सभी के अंदर एक जुझारूपन भी भर दिया है। कितनी भी कठिनाई आने के बावजूद हर एक युवती कैसे डटकर प्रतियोगिता को पूर्ण करने में लगी हुई है, एक सफल गुरु की यही निशानी है कि उसके द्वारा प्रशिक्षित किए गए उसके शिष्य को किसी भी परिस्थिति से डरना या हार नहीं माननी चाहिए। जब घुड़सवारी की प्रतियोगिता पूर्ण हुई तब राजकुमार युजवेंद्र ने गुरुमा से उनकी तारीफ करते हुए कहा, गुरुमा, अभी तक दोनों प्रतियोगिताओं को संपन्न होते देख मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया है कि आपने इन युवतियों को बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया है। भले ही प्रतियोगिता में जीतने वाला सिर्फ एक ही होता है, परंतु यहाँ तो हर एक प्रतिभागी अपने आप में पूरी तरह सक्षम लग रहा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई जो आज मैंने इतने सारे कुशल योद्धाओं को देखा, वो भी स्त्रियों के रूप में। गुरुमा ने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा, अभी आपने देखा ही क्या है राजकुमार, एक बार सारी प्रतियोगिताएं हो जाने दीजिए, अभी आपको बहुत कुछ पता चलना बाकी है। इतना कह गुरुमा प्रतियोगिता की तैयारी में लग गई। इधर भानगढ़ में जब राजकुमारी नंदिता और कल्पी को कारागार में डाल दिया गया तो कल्पी परेशान होते हुए राजकुमारी नंदिता से कहने लगा, इस कौशलेंद्र को कैसे पता चला कि हम लोग वेश बदल कर यहाँ हैं? तुम मुझे बिना बताए कक्ष से बाहर निकली ही क्यों? तुम तो कर्तव्य दिखाने के लिए सामान इकट्ठा कर रही थी, फिर अचानक उस जाल के अंदर कैसे फंस गई? राजकुमारी नंदिता ने क्रोध और दुख के मिले जुले भाव के साथ सारी बात बताना शुरू किया। मुझे लगता है राजकुमार कौशलेंद्र को जरूर ही मेरे ऊपर शक हो गया होगा, इसीलिए उसने राजकुमार युजवेंद्र की आवाज का धोखा देकर मेरे लिए जाल बिछाया। मैं अपने कक्ष से कभी बाहर नहीं निकलती, यदि मुझे राजकुमार युजवेंद्र की आवाज़ न सुनाई दी होती, मैंने अपने कानों से साफ साफ उनकी आवाज़ सुनी थी, और उनकी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बड़ी परेशानी से घिरे हुए हैं। बस मैं तो उन्हें संकट से बचाने के लिए अपने कक्ष से बाहर निकली थी, लेकिन जब आवाज़ वाली जगह पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। अरे लेकिन तुम मुझे तो बता सकती थी ना, कल्पी ने झुंझलाते हुए कहा, तो राजकुमारी नंदिता अपनी सफाई देते हुए बोली, इतना समय नहीं था कल्पी, उस समय यदि तुम मेरी जगह राजकुमार युजवेंद्र की आवाज़ सुनते तो तुम्हें भी यही लगता कि कैसे भी जाकर उनको बचा लिया जाए। उनकी आवाज़ में जो दर्द और पीड़ा झलक रही थी उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे एक एक पल उनके ऊपर भारी पड़ रहा हो। राजकुमारी नंदिता की आंखों से आंसू छलक आए थे। उनके चेहरे पर छाई विवशता देख कल्पी ने थोड़ी नम्रता से कहा, हाँ हो सकता है, शायद उस कौशलेंद्र ने ये सब कुछ तुम्हें पकड़ने के लिए ही किया हो, परंतु अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? राजकुमारी युजवेंद्र तो मिले नहीं, उल्टा हम लोग और यहाँ कैद हो गए। कल्पी की चिंता देख राजकुमारी नंदिता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो कल्पी, मैं महाराज से कहकर आई थी कि वे हमारी सहायता के लिए तैयार रहें। मैं अभी अपनी बहुरूपी छवि को उधमपुर महल में भेजती हूँ,
एक बार उन्हें हमारे यहाँ संकट में फंसे होने का समाचार मिल जाए तो वे शीघ्र ही अपनी सेना लेकर भानगढ़ा पहुंचेंगे। ऐसा कह राजकुमारी नंदिता ध्यान लगाने बैठ गई और अपनी बहुरूपी छवि को आदेश देकर उधमपुर के लिए रवाना कर दिया। इधर दूसरी ओर टापू पर तीसरी प्रतियोगिता शुरू की जा रही थी, जो कि तलवारबाजी की प्रतियोगिता थी। पहले दो समूह की स्त्रियां अपनी अपनी प्रतियोगिताएं पूर्ण कर गुरुमा के पास आकर खड़ी हो गई थी। अब अंतिम समूह की स्त्रियां दो दो के जोड़े में अपनी अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थी। गुरुमा तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू करवाने ही वाली थी कि राजकुमार युजवेंद्र ने उनसे परामर्श करते हुए कहा, गुरुमा, आपकी सभी सैनिक युवतियों की शारीरिक स्फूर्ति देखते हुए मैं आपके प्रशिक्षण से खासा आकर्षित हूँ, परंतु फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। यह सुन गुरुमा आश्चर्यचकित होकर बोली, कहिए राजकुमार, क्या दुविधा है? राजकुमार ने सधे हुए लहजे में अपनी बात कही, दरअसल आपने जो भी प्रतियोगिताएं रखी हैं, वे प्रतियोगिताएं इनके धैर्य, साहस और पराक्रम को दर्शाने वाली हैं। उनकी शारीरिक सफलता और स्फूर्ति का भी भलीभांति परिचय हो रहा है, परंतु क्या बौद्धिक क्षमता एक सैनिक का गुण नहीं? चंद्रमौली ने चिंतन करते हुए गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल राजकुमार, शारीरिक क्षमता के साथ साथ बौद्धिक स्तर का उच्च होना भी एक सफल योद्धा के लिए बेहद आवश्यक है। परंतु मैं नहीं समझी कि आप यह बात इस समय किस आशय से कह रहे हैं। क्या आपको मेरे यहाँ की सैनिक युवतियों की बौद्धिक क्षमता पर कोई शंका है? अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में कहिए। राजकुमार युजवेंद्र ने गुरुमा को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं गुरुमा, मुझे शंका तो नहीं है, परंतु यदि आपने शारीरिक क्षमता के प्रदर्शन के लिए प्रतियोगिताएं रखी हैं, तो क्यों ना एक प्रतियोगिता ऐसी भी करवाई जाए जिससे इनकी बौद्धिक कुशलता का प्रदर्शन हो सके। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तीनों प्रतियोगिताओं के जो भी विजेता रही हैं, उनको इकट्ठा कर हम बाद में एक ऐसी भी प्रतियोगिता रखें जिसमें कोई शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन ना हो, बल्कि इन्हें अपने दिमाग का उपयोग करते हुए उस प्रतियोगिता को जीतना पड़े। राजकुमार का निवेदन सुन गुरुमा सहमति जताते हुए बोली, आपका उपाय अति उत्तम है राजकुमार, यह तीसरी प्रतियोगिता खत्म होने दीजिए, फिर चौथी प्रतियोगिता की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप जैसा चाहे मेरी सभी विजेता सैनिक युवतियों को उनकी बौद्धिक क्षमता दिखाने का अवसर दे सकते हैं। इतना कह गुरुमा ने तलवारबाजी की प्रतियोगिता प्रारंभ करवा दी। तलवारबाजी की प्रतियोगिता भी जोखिम से भरी हुई थी। एक दूसरे को हराने के लिए सभी युवतियां पूरे जोश से तलवार के तेज प्रहार करती जा रही थी। इससे कुछ स्त्रियों को चोट भी लग रही थी, परंतु वे इसकी परवाह किए बिना पूरी एकाग्रता के साथ तलवार के तेज प्रहारों का सामना कर रही थी। तभी अचानक ही एक युवती की तलवार उसके हाथ से छूट गुरुमा के पास आ गिरी और वह स्त्री स्तब्ध रह गई। उसकी प्रतिद्वंदी स्त्री ने अवसर का फायदा उठाकर तुरंत ही उसके ऊपर प्रहार कर दिया और इस प्रहार से न सिर्फ उस निहत्ती युवती को चोट पहुंची बल्कि उसका अंग वस्त्र भी खुल गया। सबके सामने इस तरह खुद को निर्वस्त्र होते देख वह युवती खुद के शरीर को छुपाने की कोशिश करने लगी। गुरुमा ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपनी ओढ़नी ले जाकर उस युवती को ओढ़ा दी, मगर तभी राजकुमार युजवेंद्र हैरत भरी आंखों से उस निर्वस्त्र स्त्री को देखते रह गए और मन ही मन बोले, अब मुझे पता चला कि मेरे श्राप का असर इन पर क्यों नहीं हो रहा। सामने खड़ी युवती को देख राजकुमार युजवेंद्र को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया था कि उनके श्राप का असर आखिर इन सब पर क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो स्त्री दिखती तो थी पर असलियत में वो किन्नर थी। फिर भी अपनी शंका का समाधान करने के लिए उन्होंने चंद्रमौली से पूछा, गुरुमा, अचानक ही सही परंतु मेरे सामने सत्य स्वयं ही आ गया। अब आपसे बस एक बात का समाधान चाहिए, क्या यहाँ उपस्थित सभी युवतियाँ इस युवती की तरह किन्नर ही हैं या कुछ स्त्रियाँ भी हैं? राजकुमार युजवेंद्र का प्रश्न सुन गुरुमा ने उस किन्नर को अपने पीछे छुपाते हुए कहा, हाँ, ये सारी सैनिक युवतियाँ किन्नर हैं और मैं भी, राजकुमार युजवेंद्र ने गंभीर भाव से कहा। तभी मेरे श्राप का असर इन सब में से किसी पर नहीं हुआ, वरना तो कितनी ही युवतियों ने मुझे जाने अनजाने स्पर्श कर लिया है। राजकुमार युजवेंद्र गंभीर होकर अपनी बात कहते जा रहे थे कि तभी उनका ध्यान चंद्रमौली के पीछे खड़ी उस युवती पर गया जो शर्मिंदगी के मारे राजकुमार युजवेंद्र के सामने आने से बच रही थी। उसको इस तरह लज्जित होते देख राजकुमार युजवेंद्र ने तुरंत ही पलटते हुए तेज आवाज में कहा, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें निर्वस्त्र होते देख लिया, परंतु तुम्हें किसी भी तरह की लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी तरह मैं भी एक इंसान हूँ, कृपया अपने वस्त्र पहनकर संकोच मुक्त हो जाइए। राजकुमार की ऐसी प्रतिक्रिया देख तुरंत उस युवती ने अपने वस्त्र उठाकर पहन लिए और गुरुमा की ओढ़नी उन्हें वापस करते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुमा, और राजकुमार युजवेंद्र, मैं आपकी भी आभारी हूँ जो आपने मुझे इस अवस्था में देखकर भी कोई हास्यपूर्ण बात नहीं की। अब आप मेरी ओर पलट सकते हैं, मैंने वस्त्र पहन लिए हैं। यह सुन राजकुमार युजवेंद्र तुरंत उसकी ओर पलट गए। कुछ ही समय में वहाँ के माहौल में एक गंभीरता सी उत्पन्न हो गई थी। यह देख चंद्रमौली ने कहा, अरे तुम सब तो ऐसे चिंतित और परेशान लगने लगे हो जैसे हम पर कोई विपत्ति आ गई हो। मत भूलो हम लोग यहाँ जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, इस तरह शोक सभा करने के लिए नहीं। तलवारबाजी की प्रतियोगिता हमारी अंतिम प्रतियोगिता है, इसे शीघ्र ही अंतिम चरण तक पहुँचाना होगा। चलो चलो सब लोग वापस अपना अपना स्थान ले लो और प्रतियोगिता दोबारा शुरू करो। यह सुनते ही सभी युवतियों ने अपनी अपनी स्थिति संभाल ली और तलवार तान कर खड़ी हो गई। राजकुमार युजवेंद्र भी अपने स्थान पर जाकर बैठ गए और एकाग्रचित होकर प्रतियोगिता का मुआयना करने लगे। बाकी दोनों समूहों की स्त्रियां भी वहीं आसपास खड़ी हो गईं और तलवारबाजी के करतब देखने लगी। रंभा भी राजकुमार युजवेंद्र के पास खड़ी अपनी चोट को सहला रही थी। उसके हाथ से रक्त बहना तो बंद हो चुका था परंतु अब भी दर्द हो रहा था। राजकुमार ने जब उसे ऐसे देखा तो वो तुरंत ही उठे और वहां से कुछ दूर वन की ओर चले गए। राजकुमार को जड़ी बूटी का ज्ञान था जिसके तहत उन्होंने तुरंत आसपास लगे पेड़ व झाड़ियों से कुछ पत्तियां निकाली और उसका एक लेप बनाकर ले आए और रंभा के घाव पर लगा दिया जिससे रंभा का दर्द थोड़ा कम हो जाए। राजकुमार युजवेंद्र को इस तरह अपनी फिक्र करते देख रंभा को बहुत खुशी हुई। अब दर्द के बावजूद रंभा के माथे पर एक शिकन भी नहीं थी बल्कि जीत की खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था।
राजकुमार युजवेंद्र ने एक नजर रंभा को देखा और मन ही मन सोचने लगे, आज पहली बार किन्नर समुदाय में रहकर इन किन्नरों को इतने करीब से जानने और समझने का मौका मिला है। वास्तव में इन लोगों ने मुझे जितना आदर सम्मान और सत्कार दिया है वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। रंभा को भी मैं कितना गलत समझ रहा था, लेकिन अब मेरे मन में उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। ऐसा सोच राजकुमार युजवेंद्र ने अपना ध्यान रंभा से हटाकर सामने चल रही तलवारबाजी की प्रतियोगिता पर लगा दिया, जिसमें समूह की हर एक जोड़ी में दोनों युवतियां अपने प्रतिद्वंदी को पूरी टक्कर दे रही थी। तलवार की खनक टापू के शांत वातावरण को गुंजायमान कर रही थी और सभी सैनिक युवतियां एक दूसरे को मात देने के लिए उत्साहित दिख रही थी। राजकुमार युजवेंद्र ने सभी युवतियों के तलवारबाजी कौशल को खूब सराहा और अंत में जो एक स्त्री सभी को हराकर अपनी तलवार के साथ बची उसे विजेता घोषित कर दिया। तीनों प्रतियोगिताएं बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो चुकी थी और हर एक प्रतियोगिता की एक एक विजेता भी मिल चुकी थी। यह देख चंद्रमौली ने राजकुमार युजवेंद्र से आग्रह करते हुए कहा, राजकुमार जैसा कि आपने कहा था कि इनकी बौद्धिक क्षमता की परीक्षा लेना भी जरूरी है, अब तीनों प्रतियोगिताओं की विजेता सैनिक आपके सामने उपस्थित हैं, तो कृपया बताएं आप इन तीनों में से बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए पहले किसे चुनेंगे। यह सुन राजकुमार युजवेंद्र हल्की मुस्कान के साथ बोले, तीनों को एक साथ इस बौद्धिक परीक्षण में भाग लेना होगा। वो कैसे, तीनों विजेता सैनिकों ने एक स्वर में पूछा, तो राजकुमार युजवेंद्र उनकी जिज्ञासा देख उत्साह के साथ बोले, देखिए मुझे यहाँ आए हुए एक पूरा दिन बीत चुका है, इतना समय किसी भी अजनबी को परखने के लिए काफी होता है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सबने मुझे भी भली भांति जान समझ लिया होगा और मेरे बारे में कुछ ना कुछ विचारधारा भी बना ली होगी, तो अब आप तीनों किसी व्यक्ति को किस आधार पर परखती हैं, मैं बस यह देखना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुन तीनों युवतियाँ एक दूसरे को हैरत से देखने लगी। उनकी उलझन को समझ राजकुमार युजवेंद्र ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, देखिए मैं चाहता हूँ कि आप तीनों बारी बारी से आकर मुझे मेरे बारे में कुछ ऐसी बात बताएं जो आपने कल से अभी तक गौर की हो। देखिए यदि एक वाक्य में मैं अपना परिचय दूं तो मेरा यही परिचय होगा कि मैं उधमपुर के महाराज सूर्य प्रताप का बड़ा पुत्र राजकुमार युजवेंद्र हूँ, परंतु इसके अलावा मैं एक इंसान हूँ जिसका दुनिया को देखने का अलग नजरिया है, जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी उम्मीदें हैं और अपना एक अलग व्यक्तित्व है। मैं अपने बारे में आपको अब तक उतना सब कुछ बता चुका हूँ जितना सामान्यतः किसी को भी अपना परिचय देते हुए बताता हूँ, परंतु आप लोगों ने उसके अलावा मेरे बारे में क्या क्या जाना है मैं बस वह देखना चाहता हूँ। यदि आप चाहें तो आप मुझसे कोई भी एक प्रश्न पूछ सकती हैं, उसके बाद आप मुझे मेरे ही बारे में तीन बातें बताइए जिसकी बातें बिल्कुल सत्य होंगी या सत्य के थोड़े करीब भी होंगी, वही एक सैनिक युवती इस बौद्धिक परीक्षा की विजेता बनेगी। कहिए क्या आप सबको मंजूर है। राजकुमार की बातें सुन तीनों ने सहमति में सिर हिला दिया। इधर दूसरी ओर जब राजकुमारी नंदिता की छवि उधमपुर महल में पहुंची तो महाराज सूर्य प्रताप दहशत में आकर बोले, महारानी लगता है आपकी शंका सही साबित हो गई, राजकुमारी नंदिता मुसीबत में जान पड़ती हैं। मुझे अभी इसी समय अपने सैनिकों को लेकर यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कह महाराज सूर्य प्रताप भानगढ़ जाने की तैयारी करने लगे, परंतु महारानी विलाप करते हुए उनके सामने आ गई और रोते हुए कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, आप इस तरह राजकुमारी नंदिता की छवि को देखकर यदि यहाँ से चले जाएंगे तो फिर महल में कौन बचेगा। पुत्र युजवेंद्र भी अब तक नहीं लौटे हैं, नंदिता भी भानगढ़ में फंसी हुई है और अब आप भी जा रहे हैं, थोड़ा विवेक और धैर्य से काम लीजिए। क्या पता ये सब कौशलेंद्र की चाल हो, वैसे भी राजकुमारी नंदिता वहाँ अकेले नहीं है, उनके साथ तो कल्पी भी है, परंतु आपके जाने के बाद मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी और यदि तब पुत्र युजवेंद्र की कोई खबर आई या उसे बचाने जाना पड़ा तब भला मैं क्या कर पाऊंगी। इसीलिए आपसे विनती है आप रुक जाइए और अपनी जगह पर सेनापति या मंत्री जी को भेज दीजिए। स्वयं आपका जाना मुझे उचित नहीं लग रहा है, ना तो मुझे उस कौशलेंद्र पर भरोसा है और ना ही आने वाले समय पर। महाराज महारानी को इस तरह रोते और बिलखते देख चिंतित हो गए और भारी मन से कहने लगे, लेकिन मैंने नंदिता से वादा किया था कि यदि उसे मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं स्वयं वहां पहुंच जाऊंगा, अब यदि मैं यहां रुक गया तो वह मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। इस समय राजकुमार युजवेंद्र यहां नहीं है तो यह हमारा दायित्व है कि हम उसके प्राणों की रक्षा करें, आप समझने की कोशिश करिए महारानी, इस समय मेरा जाना अत्यंत आवश्यक है। महाराज की स्पष्ट बातें सुनकर भी महारानी को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वे बार बार एक ही रट लगाए जा रही थी, नहीं नहीं महाराज मैं आपको नहीं जाने दूंगी, जाने क्यों मुझे सब कुछ किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी जैसा लग रहा है, आप कहें तो मैं आपकी जगह पर चली जाती हूँ, मैं तो माँ हूँ उस कौशलेंद्र की, क्या पता मेरे समझाने से वह समझ ही जाए। उस दिन मंदिर में भी कौशलेंद्र ने आपके ऊपर तलवार अवश्य उठाई थी, परंतु मुझे उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसीलिए आपसे निवेदन कर रही हूँ आप रुकिए और मुझे जाने दीजिए। मेरे साथ यदि आप चाहें तो सेनापति को भेज सकते हैं, मैं न सिर्फ नंदिता को छुड़ा कर ले आऊंगी बल्कि पुत्र कौशलेंद्र को भी समझाने का प्रयास करूंगी। महारानी की बातें सुन महाराज विचलित स्वर में बोले, ये कैसी बातें कर रही हैं महारानी, मेरे होते हुए आपका इस तरह सैन्य बल के साथ जाना कहां तक सही है, मेरे होते हुए आप महल से बाहर ऐसी जगह पर जाएं जहां पहले से ही खतरा मंडरा रहा हो, यह मुझे मंजूर नहीं। आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं कुछ और उपाय सोचता हूं। मेरे लिए यदि राजकुमारी नंदिता को बचाना आवश्यक है तो आपकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। एक तरफ जहां महाराज और महारानी द्वंद में फंसे हुए थे, वहीं भानगढ़ में राजकुमारी नंदिता कारावास में कैद दुखी होकर कल्पी से कह रही थी, कल्पी मुझे अपने कैद होने का उतना अफसोस नहीं है जितना राजकुमार युजवेंद्र के न मिलने की चिंता है। एक कयास लगाया था कि शायद कौशलेंद्र ने उनका अपहरण करके यहाँ रखा हो, परंतु अब तो वह भी गलत साबित हो गया। अगर राजकुमार यहाँ होते तो अब तक हमारे सामने आ चुके होते। मुझे लग रहा है राजकुमार यहाँ है ही नहीं, मगर फिर कहाँ जा सकते हैं, इस तरह उनका गायब होना मेरी समझ से बाहर है। मुझे किसी भी हाल में उनको खोजना होगा, एक बार यहां से बाहर निकल जाऊं। इधर दूसरी ओर टापू पर राजकुमार युजवेंद्र की सारी बातें सुन तीनों विजयी सैनिक युवतियां बौद्धिक क्षमता की प्रतियोगिता के लिए राजी हो गईं। फिर आपस में विचार विमर्श करने के बाद वे एक एक करके राजकुमार युजवेंद्र के पास जाने लगी। जब पहली युवती राजकुमार युजवेंद्र के पास पहुंची तो उसने सबसे पहले वहां पास में बैठी हुई अपनी गुरु मां को प्रणाम किया, फिर राजकुमार युजवेंद्र से बोली, राजकुमार मुझे अब तक आपके बारे में जो बात सबसे ज्यादा गौर करने लायक लगी
वो यह थी कि आप स्त्रियों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। अनजाने में भी आप किसी भी स्त्री को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जब हम सब लोग मिलकर आपको खड्डे से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, तब आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि आप खड्डे से कितनी देर में और किस प्रकार बाहर निकलेंगे, बल्कि इस बात की ज्यादा चिंता थी कि कहीं आपके स्पर्श से कोई स्त्री पत्थर में न बदल जाए। यह देख हमें आपके संवेदनशील होने का पता चला और इसीलिए हम सब लोग आप पर इतना भरोसा कर पाए, और इसीलिए हमने आपसे यहाँ रुकने का आग्रह किया। एक राजकुमार हर तरह की सुविधा से संपन्न होता है, उसके बावजूद यदि उसे अपने संगी साथियों का इतना ख्याल रहे तो यह उसके ऊंचे व्यक्तित्व की निशानी है। उस युवती की बातें सुनकर राजकुमार युजवेंद्र प्रसन्न होकर बोले, तुमने जो बात कही वह एकदम सत्य है। सिर्फ स्त्री ही नहीं, मुझे हर एक मानव के प्रति उतनी ही संवेदना है। मैं अपनी तरफ से कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जब तक कि वह मेरे प्रति कोई गलत कदम न उठाए। इतना कह राजकुमार युजवेंद्र ने उसे वहां से जाने का इशारा कर दिया और अगली युवती को बुलाया। तुरंत ही दूसरी युवती ने राजकुमार युजवेंद्र के पास आकर गुरुमा और उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात कहनी शुरू की। राजकुमार युजवेंद्र, आपके बारे में जो एक बात मैंने गौर की वो ये थी कि आप इन दोनों किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। आपके जीवन में कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जिसे लेकर आप हर पल चिंतित रहते हैं और उसी समस्या के समाधान के लिए आप इधर उधर भटक रहे हैं। इसी तरह भटकते हुए आप हमारे टापू पर भी आ पहुंचे। उस युवती की बात सुन राजकुमार गंभीर होकर बोले, हाँ तुम्हारा कहना सही है, मैं सच में इन दिनों किसी समस्या के समाधान को ढूंढने में ही लगा हुआ हूँ और उसी के सिलसिले में मैं अपने गुरु से मिलने गुरुकुल गया हुआ था। इतनी बात कह राजकुमार युजवेंद्र ने उस युवती को भी वापस जाने का इशारा कर दिया। उसके बाद अंतिम और तीसरी युवती वहां आई जो स्वयं रंभा थी। उसने गुरुमा को प्रणाम किया और राजकुमार युजवेंद्र का अभिवादन करते हुए बोली, आपके बारे में मैंने सिर्फ एक ही नहीं कई सारी बातें गौर की हैं, और जितना आपको जानती समझती गई उतनी ही आपसे प्रभावित होती गई। आप अपने माता पिता का गर्व हैं, एक आज्ञाकारी पुत्र होने के साथ साथ एक कुशल उत्तराधिकारी भी हैं। युद्ध कौशल हो या रणनीति, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें आपको महारत हासिल ना हो। रंग रूप और शारीरिक सुंदरता के साथ साथ भावनात्मक सुंदरता से भरे हुए आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, परंतु इसके बावजूद आपके जीवन में एक ऐसी कमी है जो आपकी आयु के किसी अन्य युवा में नहीं हो सकती, और उस कमी से जुड़ी हुई एक खूबी भी है जो आपके अलावा आपके हमउम्र किसी में नहीं हो सकती। यह सुनते ही राजकुमार युजवेंद्र मन ही मन सोचने लगे, यह अवश्य ही दाम्पत्य सुख की बात कर रही होगी, क्योंकि जब यह मेरे निकट आने का प्रयास कर रही थी तब मैंने ही इसे बताया था कि मैं अपने श्राप के चलते अपनी धर्म पत्नी राजकुमारी नंदिता के भी करीब नहीं जा पाया हूँ। उसी बात को ध्यान में रखते हुए रंभा ने यह बात की होगी कि मुझ में कोई कमी है। राजकुमार युजवेंद्र अपने मन में यह सोच रहे थे कि तभी रंभा ने तुरंत उनके विचारों को रोकते हुए कहा, मैं सिर्फ दाम्पत्य सुख की बात नहीं कर रही हूँ राजकुमार, वह तो आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएगा, क्योंकि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य सूत्र में तो आप बंध ही चुके हैं। शारीरिक सुख भले ही आपको ना मिले, पर मानसिक और भावनात्मक सुख तो आपको अपनी पत्नी से हमेशा ही मिलता होगा। रंभा की बातें सुन गुरुमा उसे हैरानी से देखने लगी और राजकुमार युजवेंद्र भी असमंजस में पड़कर सोचने लगे, रंभा को मेरे मन की बात कैसे पता चल रही है, मैंने तो अभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। जो बात सोची वो रंभा ने तुरंत पकड़ ली और मुझे जवाब देना शुरू कर दिया, ऐसा कैसे और यह आखिर किस कमी की बात कर रही है। यह सोचते हुए राजकुमार युजवेंद्र ने स्पष्ट शब्दों में पूछ लिया, मैं समझा नहीं, यदि दाम्पत्य सुख नहीं तो फिर तुम किस सुख की बात कर रही हो। रंभा ने रहस्यमय ढंग से राजकुमार युजवेंद्र को घूरते हुए कहा, संभोग का सुख। राजकुमार, आपने अपने जीवन में अभी तक किसी भी स्त्री के साथ संभोग नहीं किया है। यह सुनते ही गुरुमा रंभा को घूरते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही हो रंभा, यह बेहद व्यक्तिगत मामला है, इस तरह सबके सामने खुलेआम तुम्हें राजकुमार से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और वे स्वयं ही बता चुके हैं कि उनके श्राप के कारण कोई भी स्त्री उनके स्पर्श से पत्थर में बदल सकती है। ऐसी अवस्था में भला वे किसी स्त्री के साथ संभोग कैसे करेंगे। मुझे लगता है यह बात तो यहां उपस्थित सभी को पहले से ही समझ आ चुकी है। तभी रंभा पूरे आत्मविश्वास से गुरुमा से बोली, मानती हूँ समझ आ चुकी होगी, पर इससे जुड़ी जो खूबी है वह मेरे अलावा किसी को नहीं पता। यह सुन राजकुमार युजवेंद्र हैरत में पड़कर बोले, कैसी खूबी, खुलकर बताओ।